लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अक्षरशः अनुवाद लगभग वही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से पार्टी को अवगत कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आपको शायद याद होगा कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 54 में से केवल 2 सीटें ही मिली थी, बाकी 52 सीटों पर हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हमारे अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत के बचने के लिए जितना वोट चाहिए था उससे भी आधा और चौथाई वोट मिला था। इसके बाद श्री सीताराम केसरी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्हीं के समय में पहली बार बिहार में कांग्रेस ने 1998 से लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ना शुरू किया था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस लालू यादव जी की पार्टी से गठबंधन करने के कारण कमजोर हो गई है, उन्हें या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस 1996 में ही पूरी तरह कमजोर हो गई थी। उसका स्पष्ट कारण था कि 1989 के बाद भागलपुर दंगे और 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू जी की पार्टी के दोबारा जीतने से ऐसे मतदाता आगरे जो लालू जी की राजनीति को पसंद नहीं करते थे, उनको लगा कि कांग्रेस लालू जी की पार्टी को नहीं हरा सकती है, इसलिए निराश होकर उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। बड़ी संख्या में पिछड़े तो पहले ही कांग्रेस को अगरों का समर्थक बताकर हमसे अलग हो गए। 1998 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उनके समय में भी जो गठबंधन स्वर्गीय सीताराम केसरी जी के समय में हुआ था वही जारी रहा। 1998 समेत 2019 तक लोकसभा के कुल 6 चुनाव हुए, इनमें से केवल 2009 को छोड़कर 5 चुनाव कांग्रेस ने बिहार में गठबंधन में लड़ा। गठबंधन में हुए इन 5 चुनावों में मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को 3 बार और गठबंधन के अन्य दलों को 2 बार मिली। जिन 3 अवसरों पर मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली वो 1998, 1999 और 2004 के चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए 3 बार मुझे ही अपना प्रत्याशी बनाया था। इन 3 अवसरों में से 2 बार 1998 और 2004 में सफल भी हुए थे। ये गठबंधन के उम्मीदवार से ज्यादा था, परंतु जो भाजपा 2009 का चुनाव 10,000 से और 2014 का चुनाव 20,000 वोटों से जीती थी, उसके बिल्कुल नए उम्मीदवार को 2009 के 1,64,000 वोट के मुकाबले 6,000 वोट मिल गया। यही नहीं, वर्ष 2019 के में पूरे मिथिला में भाजपा के अधिकांश उम्मीदवारों को लगभग 6,00,000 के आसपास वोट मिला था, जो आश्चर्यचकित करने वाला था। 2009 के अगर मेरे और गठबंधन के वोटों को एक साथ जोड़ लिया जाता तो भाजपा 1,00,000 से अधिक वोटों से हारती, परंतु 2019 में मेरा और गठबंधन के वोट को जोड़ने के बाद भी भाजपा को 3,23,000 वोट मिले। 1,64,000 था 2009 में, उससे बढ़ के हो गया 6,00,000, 5,00,000 बचाते रहे। 2009 और 2019 के चुनाव त्रिकोणीय थे, इसलिए मैं उन दोनों चुनावों की तुलना कर रहा हूँ। 2009 के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा 10,000 से जीती थी, वही भाजपा 2019 के त्रिकोणीय मुकाबले में 4,55,000 वोट से। फिर पार्टी ने विधानसभा के ठीक पहले 26 अगस्त 2020 को मेरा निलंबन वापस किया और मैंने बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस तथा अन्य गठबंधन दलों का प्रचार भी किया, परंतु बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गठबंधन दलों में विवाद के कारण वीआईपी पार्टी, जिसे 2019 में लोकसभा की सीट मिली थी, वो गठबंधन से अलग हो गई। गठबंधन से अलग होने के बाद वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा था कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मधुबनी की सीट मुझे जबरदस्ती दी गई, जबकि मेरे पास उस सीट के लिए कोई उम्मीदवार भी नहीं था। वह सीट डॉक्टर शकील अहमद साहब की थी, उनको ही वहां से लड़ना चाहिए था। यह मेरे लिए एक बड़ा खुलासा था और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि बात सीट की नहीं है, बल्कि शायद मेरे नाम पर गठबंधन में सहमति नहीं थी।
क्योंकि सभी जानते थे कि यदि मधुबनी सीट कांग्रेस को मिलेगी तो शकील अहमद भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मैं कांग्रेस के अपने सभी साथियों का आभारी हूँ कि 1998 से 2019 लगभग 21 वर्षों तक मधुबनी सीट पर किसी कांग्रेसी ने आवेदन तक नहीं दिया, शायद ये सोच कर कि ये सीट शकील साहब की है। जिसने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की कि मधुबनी लोकसभा की सीट मैंने मांगी भी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती दी गई कि शकील साहब की सीट थी, उन्हीं को लड़ना चाहिए था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं चुनावी राजनीति से। हमारा गठबंधन इसलिए सफल नहीं हो पाया कि 1999 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में शामिल हुआ। 2009 में हमारा गठबंधन किसी अन्य दल से नहीं हुआ था, परंतु जिन दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में हम पुनः गठबंधन में लड़े, उस समय ये सीट कांग्रेस को न मिलकर गठबंधन के अन्य दलों को मिल गई थी और संयोग से इन दोनों अवसरों पर हमारा गठबंधन सफल नहीं हुआ है। 2009 में जब हमारा गठबंधन किसी दल से नहीं हुआ था, तब भी पार्टी ने मुझे ही अपना उम्मीदवार बनाया था। मैं उस समय तक 3 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 2 बार सांसद और भारत सरकार में मंत्री रह चुका। 2009 में बिना गठबंधन के लड़ने पर करने के बाद जब पार्टी ने 2014 में फिर से गठबंधन में लड़ने का फैसला हुआ, तो सभी राजनीतिक दलों की तरह मैं भी समझता था कि मधुबनी लोकसभा की सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी और पार्टी पिछले 4 बार की तरह मुझे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सीटों के बंटवारे के समय मुझे सूचना मिली कि मधुबनी सीट पर तकरार है और गठबंधन टूट भी सकता है। मैं उस दिन प्रियंका गांधी जी के निर्देश में युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के ससाराम आया था। पूरे देश में आहट थी कि भाजपा आ सकती है, इसलिए हमारे गठबंधन के लिए एक एक सीट जीतना आवश्यक है। यही सोचकर मैंने ससाराम से ही बयान दिया कि जब देश पर सांप्रदायिक शक्तियों के शासन का खतरा हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ कोई माने नहीं रख सकता है। मेरी सीट के लिए गठबंधन तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, गठबंधन किसे चाहे मधुबनी की सीट दे दे। इस बात का सत्यापन उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में जदयू नेता एवं मंत्री श्री अशोक चौधरी जी भी करेंगे, क्योंकि मेरे बयान के बाद उन्होंने फोन करके मेरे बयान की सच्चाई जानना चाहिए। 2014 में मधुबनी की सीट कांग्रेस के स्थान पर हमारे दूसरे सहयोगी दल को मिल गई, परंतु दुर्भाग्य से हमारा गठबंधन सफल नहीं हो पाया। 2019 के चुनाव आए और मालूम हुआ कि 2009 और 2014 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अलावा गठबंधन में कोई भी दल मधुबनी की सीट लेने को तैयार नहीं है,